आगे हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे हम बात करें बच्चों नाइट्रेशन के बारे में, तो नाइट्रेशन में मैंने बताया क्या फिनाल का रिएक्शन डायलॉग के साथ कराएंगे, तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल पहला नाइट्रोफिनॉल बनेगा, और जब भी रिएक्शन हम कंसंट्रेट के साथ कराते हैं तो पहला टू कामा फोर कामा सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे आप क्या बोलते हैं पिथ्रिक एसिड बोलते हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट सुनना प्रॉब्लम, जब भी हम फिनाल का रिएक्शन डायलूट के साथ कराते हैं, डायलूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वहां पे हमें क्या मिलता है आर्थो आर्थो नाइट्रोफिनॉल, सारे पॉइंट सुनाओ तो, और क्या मिलेगा पैरा नाइट्रो इसको आप एरो दिखा दीजिए, इसी क्या बोलेंगे आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसे आप बोलेंगे पैरा नाइट्रो ठीक है, पॉइंट नोट करिए। इन दोनों को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है स्टीम डिस्टिलेशन। आपसे कह रहा है एमसीक्यू पूछ लेता है कि आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल कैसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पर स्टीम डिस्टिलेशन होता है जो मेन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट पूछा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आर्थो नाइट्रोफिनॉल का कम होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल से। दूसरा पूछा जा सकता है कि सॉल्वेंटी जो होती है, सारे पॉइंट में नोट करना, सॉल्वेंटी कम होती है किससे पैरा नाइट्रोफिनॉल से। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल से। इसके बाद हम बात करें एसिडिटी की बात करें, एसिडिटी कम होती है पैरा नाइट्रोफिनॉल से। और बात करें तो वोलाटाइल आर्थो को ज्यादा होगा किससे पैरा से। अब रीजन समझना, आपके पेपर में पूछे गए हैं कि वॉल्यूम पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन आर्थो नाइट्रोफिनॉल, या पूछा क्या सॉल्वेंटी ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन आर्थो नाइट्रोफिनॉल, थर्ड पूछा क्या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल ग्रेटर देन आर्थो नाइट्रोफिनॉल, या वोलाटाइल जो होता है सिर्फ वोलाटाइल इसका ज्यादा होता है आर्थो को होता है पैरा से कम होता है। रीजन सबका क्या बताएंगे, आर्थो के केस में अभी सारी चीजें होते हैं, आर्थो केस में हमारा कौन सी बॉडी पाई जाती है, या तीन का एवं आए थे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, पैरा में कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले इतना पॉइंट नोट करिए फिर बात करते हैं।
तो पैरा नाइट्रोफिनाल की बात करूंगा तो पैरा नाइट्रोफिनाल कौन सी पार्टी होती है? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है? जब दो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब दो मॉलिक्यूल के बीच बॉन्डिंग होती है तो उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 11 में बात किए थे। इंट्रा मतलब विद्युत मॉलिक्यूल, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग है तो उसे क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर। और आपको बताया थे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता होगा वो स्ट्रांगर होगा किससे? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो होगा वो हमारा क्या होगा? स्ट्रांगर होगा। और इंट्रा क्या होगा? हमारा वीकर होगा। जैसे आर्थो नाइट्रोफिनाइल की बात करें, आर्थो नाइट्रोफिनाइल की बात करें बेटा, आर्थो नाइट्रोफिनाइल हमारा क्या होगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इंट्रा मतलब यहां को समझना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, इसके एडजेसेंट पे क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है तो यहां क्या बन जाएगा? वीक बॉन्ड बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे क्या बोलेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर आप देख रहे हैं आर्थो नाइट्रोफिनाल में, आर्थो नाइट्रोफिनाल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। फिर सुनो बेटा, आर्थो नाइट्रोफिनाल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इंट्रा मतलब क्या होगा कि विद इन द मॉलिक्यूल, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपको पता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है हमारा क्या होता है? वीक बॉन्ड बनाता है। क्लियर? चलिए पैरा नाइट्रोफिनाल की बात करें तो यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर होगा। इंटर मतलब क्या होगा? दो आपके अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे। जैसे यहां से बात करें ये आपका पैरा नाइट्रोफिनाल, यहां पे आपने दूसरा ले लिया एन डबल बॉन्ड ओ ओ, यहां पे आपने क्या लिया? ओ एच। ये है आपका पैरा नाइट्रोफिनाल। एक मैंने ऊपर किया, इसको मैंने उल्टा कर दिया, यहां पे NO2 यहां पे OH, ये NO2 OH। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पे देखिए हाइड्रोजन किससे अटैच है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, लेकिन इस हाइड्रोजन के एडजेसेंट पे ऑक्सीजन है, यहां पे क्या होगी? बॉन्ड बन जाएगा। और इस बॉन्ड क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे देख रहे हैं कि पैरा नाइट्रोफिनाल में हमारा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है और आर्थो नाइट्रोफिनाल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। और आपको पता है कि इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्गर होता है और ये हमारा क्या होता है? वीक होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए बॉलिंग पॉइंट किसी भी मॉलिक्यूल के ज्यादा कब होगा? जब मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जब दो मॉलिक्यूल हैं या उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप क्या करेंगे? ज्यादा हीट देंगे, ज्यादा एनर्जी देंगे, तो उसका वॉल्यूम पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहाँ देखिए पैरा में इंटर मॉलिक्यूलर है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी या ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। आर्थो में क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर है, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड कैसा होता है? वीकर बॉन्ड होता है, कमजोर होता है, आसानी से टूट जाता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? कम हीट या एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो क्लियर पास समझ में आ रहे हैं कि बॉन्डिंग पॉइंट पैरा का जाता है आर्थो का क्या? सॉल्वेबिलिटी की बात करें तो अगर वाटर में सॉल्वेबिलिटी की बात करें तो पैरा नाइट्रोफिनाल जो होगा, पैरा नाइट्रोफिनाल वाटर के साथ क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। लेकिन यहाँ पे ये तो विद इन द मॉलिक्यूल बना लेगा, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। या आप ये बता सकते हैं कि पैरा में इंटर मॉलिक्यूलर होता है, इसमें इंट्रा होता है। चलिए बात ब्रेकिंग पॉइंट की बात करें, वही है सेम फैक्टर। एसिडिटी की बात करें तो पैरा नाइट्रोफिनाल मोर एसिडिक होगा आर्थो नाइट्रोफिनाल। एसिडिटी केस में मैंने बताया था
कि एसिडिटी मतलब क्या होता है, जो आसानी से एच प्लस दे दे, तो पैरा नाइट्रो फिनाल क्या होगा, एच प्लस आसानी से आपको एसिडिटी ऑफ फिनाल में बात किए थे कि आर्थो नाइट्रो फिनाल की एसिडिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, उस केस में एच प्लस का निकलना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन पैरा नाइट्रो फिनाल केस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हमारा ये आपका OH होता है, यहाँ आपका NO2 होता है, ये आसानी से यहाँ पे एच प्लस क्या होता है निकल जाता है। एसिडिटी वाले फैक्टर उसमें हम डिस्कशन किए थे। बात है वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब क्या होगा, जो आसानी से टूट जाए, तो यहाँ पर बॉन्ड क्या वीकर, यहाँ पर बॉन्ड आपको वीक है आसानी से टूट जाएगा, यहाँ पर क्या बॉन्ड हमारे स्ट्रांग है ज्यादा इसमें नहीं टूटेगा, इस वजह से आर्थो जो होता है उसकी जो वोलाटाइल होता है वो पैरा से ज्यादा होता है। तो नाइट्रेशन की बात होता है, नाइट्रेशन में आपसे तीन टाइप में पूछे जाते हैं कि फिनाल का रिएक्शन डाइल्यूट के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, फिनाल का रिएक्शन कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ कराओगे तो क्या बनेगा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो पैरा का ज़्यादा होता है, तो रीज़न क्या होगा, पैरा का आर्थो से ज़्यादा होगा, तो आप रीज़न क्या बताएंगे, पैरा में इंटर होता है और आर्थो में इंट्रा, वोलाटाइल किसका ज़्यादा होता है, आर्थो का, क्योंकि आर्थो में इंट्रा मॉलिक्यूलर होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर आपका वीक बॉन्ड होता है आसानी से टूट जाएगा, जो बॉन्ड जितना आसानी से टूटता है उतनी आसानी से पेपराइज के फॉर्म में चला जाएगा, उसकी वोलाटाइल क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रीज़न समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं, फ्रिज को नोट करिए। अब हम बात करें कोलवेज रिएक्शन, कोलवेज रिएक्शन क्या, उसको क्या बोलेंगे, के आर सारे पॉइंट में मुक्त नंबर क्या होता है,